जानते हैं, अगर हमें कोई बड़ा लोड चलाना होता है उसके लिए हमें बड़े रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। सो बड़ा रेजिस्टेंस लगाने से हमारा जो लोड है उस पर इम्पैक्ट कम पड़ता है और लोड हमारा ख़राब नहीं होता है। लेकिन तार के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी भी तार की थिकनेस को हम कंटिन्यू कम करते जाएँ तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है। लेकिन हम उस बड़े हुए रेजिस्टेंस वाले तार के साथ लोड को नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते हैं, उसके पीछे रीजंस है। सो आज के इस वीडियो में हम यही प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे जैसे हम तार की थिकनेस को कम करते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन हम उससे लोड को क्यों नहीं चला सकते। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि हमारा करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी बाई आर, ये हमने पढ़ रखा है, और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए, ये हमने पढ़ रखा है। अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने मान लिया ये मेरा कॉपर का वायर है, ठीक, इसकी जो लेंथ है वो है एल, अब और इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने मान लिया ए। सो जो मेरा आर है वो तो अभी वही है, जो इसका आर का फॉर्मूला है वो मेरा इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसकी जो लेंथ थी उसको मैंने खींच के बढ़ा दी, अब इस तार को मैंने पतला कर दिया और इतना लंबा कर दिया तार को, अब तार मेरा हो गया पतला, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो गया, वो ए डैश हो गया, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 12 कर दी, अब बढ़ गई, लंबी हो गई लेंथ, अब लेंथ जो है ना काफ़ी लंबी हो चुकी है पूरी लेंथ। तो ये होगा केस वन और ये होगा केस टू। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या होगी, इन दोनों में कॉमन चीज़ होगी जो हमारा वॉल्यूम है, जितनी जगह ये घेर रहा था उतने टाइम पे उतनी जगह ये अभी भी कवर करेगा, बस इसकी लेंथ खींच गई, यानी कि जितनी जगह यहाँ से कम हुई है उतनी जगह यहाँ पर बड़ी भी है। सो उस वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। सो अगर पहले का मैं वॉल्यूम निकालूँ, सो पहले जब मैंने इसको खींचा नहीं था तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, और नए वाले की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी इसका एरिया कैसे होगा, 2l इंटू ए डैस, ये होगा मेरा l से l कैंसिल हो गया और जो मेरा a डैस की वैल्यू आई वो आई a बाई टू, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो मेरी a डैस की वैल्यू आई वो आई a बाई टू, लेकिन अगर आप अब देखें तो मेरा जो नया एरिया आया वो a डैस इजकल टू a बाई टू आया। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरा पहले रेजिस्टेंस ये था, लेकिन अगर मैं नए एरिया के हिसाब से अगर निकालूं तो मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो यही रहेगा रो एल बाई ए, लेकिन यहाँ पे जो मेरा ए डैस होगा ना इसके हिसाब से ए डैस होगा। सो ए डैस की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ आएगी रो एल बाई ए डैस की वैल्यू हमने निकाली ए बाई टू, और यहाँ पर जो मेरी लेंथ है वो है टू एल, यहाँ पर मैंने लेंथ को भी चेंज कर रखा है तो मेरी जो लेंथ है वो आ गई टू एल, और जब लेंथ आ गई मेरी 2L, यानी कि मैं अगर मान लूँ नया मेरा रेजिस्टेंस, नए तार का रेजिस्टेंस जो खिंचा हुआ तार उसका रेजिस्टेंस आएगा यहाँ जाएगा 4 रो L बाई A, यानी कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब तार को खींचा नहीं था तो मेरा जो रेजिस्टेंस था वो था सिंपल एक गुना, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ यहाँ पे, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा जो रेजिस्टेंस था वो एक गुना था इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, लेकिन अब मैंने तार को खींच दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ गया। अब इसके खींचने की वजह से क्या होगा कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो जैसे जैसे हम तार को पतला करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ अगर आप किसी तार का मान लिया रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके अंदर से हम लोड को नहीं चला सकते। लोड को चला किस लिए नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं ये बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, इसकी वजह से हम इससे लोड को नहीं चला सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि लेंथ को अगर हम स्ट्रेच कर दें, खींच दें, उसकी थिकनेस को कम कर दें खींच के, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लगता है। वीडियो में आपने देखा कि जैसे जैसे हम तार की थिकनेस को कम करते जा रहे थे वैसे वैसे हमारे जो तार का रेजिस्टेंस था वो बढ़ता जा रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर रेजिस्टेंस किसी भी तार का बढ़ेगा तो वहाँ पे अगर हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो आईआर लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अब किसी तार का जब लॉसेस बढ़ेंगे तो वहाँ पे उसकी हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तार के ऊपर जो हमारा इंसुलेशन लगा होता है वो पूरा पूरा मेल्ट हो जाएगा, अब मेल्ट होने की वजह से तार हमारा वो पूरा ख़राब हो जाएगा, तार ख़राब होने की वजह से हम उस पर लोड नहीं चला सकते। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही था। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।